दोस्तों, अभी तक आपने पृथ्वी के बारे में क्या पढ़ा है? गलत सलत सब। नासा ने आपको बिल्कुल क्या भर दिया है आपके दिमाग में? ये पृथ्वी गोल थोड़ी है, ये पृथ्वी फ्लैट है, समतल, सपाट। ये असलियत है इस पृथ्वी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहते हैं द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स। ये एक ग्रुप है उन लोगों का जो ये समझते हैं कि ये पृथ्वी गोल नहीं है, ये पृथ्वी फ्लैट है, समतल है, सपाट है और ये घूमती भी नहीं है। ये सूरज का चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि सूरज इसका चक्कर लगाता है। और इस बात को वो प्रूफ भी कर देंगे आपको, अगर आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं हुए तो। और उन्हीं सवालों को हम जानने वाले हैं, हालांकि मैं जवाब नहीं दूंगा इस वीडियो में उन सवालों को, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको भी मालूम होंगे उन सवालों के जवाब। तो इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो ये पृथ्वी अगर नासा के द्वारा जो बताया गया है 40,070 किलोमीटर सर्कमफ्रेंसेस यानी परिधि की है, ये एक दिन में यानी कि करीबन 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो पूरा 24 घंटे ही मान लेते हैं, तो एक घंटे में ये मूव कर रही है करीबन 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये इतने टाइम में मूव कर रही है तो एक सेकंड का हिसाब निकाले तो वो होता है 460 मीटर। और अगर इतना ये घूम रही है तो वहां पे मैं एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता हूँ और इस हेलीकॉप्टर को मैं एक घंटे के लिए रोके रखता हूँ एक ही जगह पे। तो जब पृथ्वी मूव कर रही है तो इसे करीबन 1670 किलोमीटर दूर कहीं और पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यहीं पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप प्लेन में जा रहे हो वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो आपको काफी लंबा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो ईस्ट की तरफ घूम रही है और हवाई जहाज अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसे काफी ज्यादा टाइम लगना चाहिए। और वहीं पे अगर हवाई जहाज ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है तो पृथ्वी तो ईस्ट की तरफ घूम ही रही है, तो हवाई जहाज तो आधे टाइम में वेस्ट की तरफ पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहीं पर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर पृथ्वी गोल है और हवाई जहाज उड़ता है, जब टेक ऑफ करता है उसके बाद में वो क्यों सीधा सीधा ही उड़ रहा होता है? अगर पृथ्वी गोल है तो हवाई जहाज को भी कर्व डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए और नीचे की तरफ उड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो पृथ्वी तो गोल है, क्यों हवाई जहाज बिल्कुल सीधा सीधा उड़ता रहता है, वो क्यों नहीं डाउनवर्ड थोड़ा सा मूव करता है? एक और एग्जांपल आपके सामने आता है कि ये जो नासा जो फोटो दिखाता है हमें, वो सारी फोटोशॉप्ड होती है। ये सारी आप इमेज देखिए, पृथ्वी की ये सारी ही इमेज अलग अलग सालों में खींची गई है और ये बिल्कुल ही अलग है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर इन सभी इमेज को फोटोशॉप किया गया है। और चलिए इनको भी मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस है, हो सकता है यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का चक्कर हो, सूरज की लाइट का चक्कर हो, ये मान लेते हैं। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका का साइज उन्होंने दिखाया है एक फोटो में, और वहीं पे कुछ सालों बाद दूसरी फोटो में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका का साइज और भी कम दिखाया है, ऐसा क्यों? एक टाइम पर वो नॉर्थ अमेरिका का साइज इतना बड़ा दिखा रहे हैं और दूसरे टाइम पे नॉर्थ अमेरिका का साइज इतना छोटा दिखा रहे हैं। तो इससे ये बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि नासा जो हमें फोटोएं दिखाता है वो फोटोशॉप्ड होती हैं और वो इफेक्ट के जरिए गलत सलत चीज़ें हमें दिखाता है। और वहीं पर जो भी लाइव स्ट्रीम नासा की यूट्यूब पर चल रही है या फिर किसी और वेबसाइट पर चल रही है, उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि पृथ्वी थोड़ी कर्वी है, थोड़ी गोल है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कैमरे का लेंस यूज कर रहे हो, फिश आई लेंस। इससे क्या होता है कि जो भी इमेज आप कैप्चर करते हो वो थोड़ी सी कर्वी हो जाती है, थोड़ी सी गोल दिखने लगती है, इस वजह से आपको पृथ्वी भी गोल दिखती है। तो दोस्तों, ये सारे सवाल हैं जो द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स करते हैं उन लोगों से जो कहते हैं ये दुनिया गोल है। हालांकि उनके पास और भी ज़्यादा सवाल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन होते हैं जो वो अक्सर पूछ लेते हैं दूसरों से, और जिनको जवाब नहीं पता होते वो फंस जाते हैं इनके चक्करों में और उसके बाद में कह लो कि डिबेट में वो हार जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में और भी ज़्यादा सवाल हैं जिससे ये पता लगता है कि ये दुनिया फ्लैट है, ये दुनिया गोल नहीं है, तो आप वो सवाल भी अपनी कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हो, जो जो मैंने बताए हैं द फ्लैट अर्थ सोसाइटी की जो सोच है, वो भी लिखिएगा। और अगर आप चाहोगे कि इस पर वीडियो भी बनाई जाए, इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएँ एग्जाम्पल के साथ में, तो वो भी मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मेरा नाम था भारत शर्मा और आप देख रहे थे देखो इसको। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर करना चाहो।